किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और जैसे कि आप जानते हैं हर दिन हम नए नए विषयों पर बात करते हैं आज भी एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं जिसमें आपको खेती किसानी की जानकारियों से अवगत कराएंगे किसान भाइयों वैसे तो कृषि यंत्रों में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ट्रैक्टर और उसको किस तरीके से हमें चलाना है कैसे हम उसकी सावधानियों के बारे में जानेंगे आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं जी हाँ हम बात करेंगे ट्रैक्टर का रख एवं सावधानियों के बारे में ट्रैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारी खेती में और उससे उसके जो संयंत्र हैं कैसे हम लगा सकते हैं क्या क्या सावधानियां रखना है और उसका रख रखाव यानी कि समय समय पर उसके ब्रेक ऑयल या फिर और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए इस अंक में हम वही जानेंगे इस अंक पे इस चर्चा पे हम ज्यादा विस्तार से जानेंगे डॉक्टर देवव्रत सिंह जी के साथ में जो कि इंदौर से हैं पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियंत्र की एवं शक्ति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत चलिए जानते हैं विषय को और भी विस्तार से नमस्कार किसान भाइयों मैं डॉक्टर देवव्रत सिंह पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हूँ मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात आई का मैं आज आपको ट्रैक्टर से संबंधित कुछ रखरखाव की बहुत ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूं क्योंकि रखरखाव इसलिए ज़रूरी है अगर हम रखरखाव छोटा रखाव या रखरखाव या बड़ा रखरखाव अगर हम समय से नहीं करते हैं तो हमको ट्रैक्टर समय पर उपलब्ध नहीं होता और बड़े खर्चे होने की आशंका बनी रहती है तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपसे जो चर्चा करूंगा वो बैटरी के विषय में करूंगा। अक्सर करके मैं देखता हूं कि किसान भाई जो है वो बैटरी की तरफ ध्यान नहीं देते काम ख़त्म होने के बाद ट्रैक्टर को खड़ा कर देते हैं महीना दो महीना ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं होता अधिकांश किसानों के पास में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल सीमित समय तक करते हैं और सीमित समय तक करने की वजह से और इसको खड़ा रखते हैं ये भूल जाते हैं कि इस ट्रैक्टर को हर दस दिन में कम से कम आधा घंटा चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी बैटरी चार्ज होती रहे और बैटरी कई बार ये भी देखा गया है कि नया ट्रैक्टर लेके आते हैं और डेढ़ महीना घर में खड़ा रहता है और बैटरी डाउन हो जाती है और बैटरी डाउन होने के बाद में वो नाराज़ होते हैं कि ये हमारा ट्रैक्टर ख़राब है देखिए ट्रैक्टर नहीं खराब है हमारा रख रखाव में कमी रह गई है तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ आजकल ट्रैक्टर बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं और बैटरी का रख करना आपकी ज़िम्मेदारी है और दूसरी बात मैं किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूं कि आप ये देख रहे हैं प्री फिल्टर ये जो हवा जो आती है हवा जो ट्रैक्टर हवा लेता है ताकत पैदा करने के लिए ऑक्सीजन के लिए तो इसके अंदर में ये जो प्री फिल्टर लगा हुआ है इस प्री फिल्टर को रोज़ सुबह एक बार साफ़ करना है ये प्लास्टिक का प्री फिल्टर है सभी किसान भाई जानते हैं और इसको निकाल करके साफ़ करके, साफ करके साफ कपड़े से इसको पोछ लें इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसके साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हवा की सफ़ाई है सिर्फ प्री फिल्टर से नहीं होती इसमें नीचे तेल भरा हुआ होता है लगभग आधा लीटर तेल होता है और वो तेल में से होकर के जो है हवा अंदर जाती है तो मेरा आप किसान भाइयों आप अनुरोध है कि इसके तेल का समय समय पर कम से कम 20 दिन से लेकर के एक महीने तक इस तेल की जांच करें कि ये तेल में बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं जम गई है अगर मिट्टी जम गई है तो कृपा करके इसकी तेल को आप बदल दें तेल को बदल देने से आपको बहुत लाभ होगा इसकी शक्ति आपको पूरी पूरी मिलेगी और किसान भाइयों अब मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूँ जिसको हम कहते हैं रेडिएटर रेडिएटर के अंदर में कूलेंट होता है कूलेंट कई बार किसान भाई कूलेंट ना होने की स्थिति में इसमें पानी भर देते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि गंदा पानी भर देते हैं किसान भाई गंदा पानी भर देने से रेडिएटर की जो जाली होती है जाली के अंदर पूरा ये कैल्शियम और अन्य तत्वों के जम जाते हैं इसके अंदर में इनके कंपाउंड या इनके और भी कैल्शियम वग़ैरह के जो भी जम जाते हैं पथरी जैसी हो जाती है तो रेडिएटर चौक हो जाता है रेडिएटर चौक होने से जो ठंडा होना चाहिए इंजन ध्यान रखें इंजन समय समय पर ठंडा होना चाहिए और ये भी आपको मैं बता दूं कि इंजन अगर एकदम ठंडा चला रहे हैं या एकदम गर्म चला रहे हैं दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं हैं ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर दिखाया हुआ है कि किस रेंज के अंदर में इसको इसका तापमान रहना चाहिए यदि तापमान बहुत ऊपर हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो तत्काल इसको बंद करके इसकी जांच करना चाहिए और जांच करने के बाद हम देखें कि इसमें क्या गलती हो रही है एक और महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ जिसको कहते हैं फ्यूल फिल्टर फ्यूल फिल्टर को जो समय समय पर हम जांचते हैं तो वो अच्छा रहता है ये ध्यान रखिए कम से कम फ्यूल फिल्टर को हर महीने एक बार ज़रूर जांचें और उसके पहले भी जो ये प्री फिल्टर है प्री फिल्टर को भी हम फ्यूल के मतलब डीजल के फिल्टर को जरूर जांचें और अगर जांचते नहीं हैं उसमें एक बड़ी गड़बड़ी ये खड़ी होती है कि अक्सर किसान भाई जो डीज़ल लाते हैं देखिए ये डीज़ल की टंकी है डीज़ल जो हमारे किसान भाई लाते हैं वो डीज़ल पूरी तरह से शुद्ध और साफ नहीं होता जब वो हम कई बार इस बात को ध्यान नहीं देते जब भी हम डीज़ल भरवाते हैं तो इसको शाम को भरवाएं। डीजल को शाम को भरें और डीजल साफ होना चाहिए जरा भी अगर आपको आशंका हो कि डीजल गंदा है तो तत्काल ऐसे डीजल को लेने से मना करिए वरना आपके लिए ये बहुत बड़ा खर्च जो है वो तैयार है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये डीजल का पंप है जिसके अंदर के वाल्व वगैरह नोजल वाल्व बहुत नाजुक होते हैं इनमें बहुत बारीक रेत भी अगर चली जाएगी तो ये घिस जाएंगे घिस जाने से डीजल का खर्चा आपका बढ़ जाएगा ये ध्यान रखिए और आपको अचानक महसूस होगा कि मेरा ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खा रहा है देखिए डीजल खाने के बहुत कारण होते हैं एक कोई कारण नहीं है डीजल खाने का डीजल खाने का एक का कई कारणों में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये जो टायर के पिछले टायर के हवा का दबाव है किसान भाई ये ध्यान रखें कि हम अक्सर इस बात को ध्यान नहीं देते कि पिछले टायर में हवा का दबाव ये डीजल के खर्चे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है जो भी ट्रैक्टर आपके पास है किसी भी कंपनी का है मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी जो ऑपरेटर मैनुअल होती है जो पुस्तिका होती है उस पुस्तिका में पढ़िए कि खेत में पिछले टायरों का हवा का दबाव कितना बताया गया है कंपनी के द्वारा और सड़क पर ट्रॉली में हवा का दबाव पिछले टायर में कितना बताया गया है ये बहुत ज़रूरी है लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाई ट्रॉली पर इस्तेमाल करते हैं और खेत में भी उसी हवा के दबाव पर इस्तेमाल करते हैं जिससे देखेंगे कि टायर के पिछले जो ये ग्रूव हैं जिसको लग बोलते हैं कुछ जगह गुड्डी भी बोलते हैं ये लग घिस जाता है ये लग जो घिसावट होता है यह घिसावट भी हमारी ही लापरवाही से होता है और ये बहुत महंगे हैं आपको सभी को पता है कि पिछले टायर बहुत महंगे आते हैं तो मेरा ये सबसे अनुरोध है कि यदि कंपनी कहती है कि 14 पी एस आई पाउंड्स पर स्क्वायर इंच अथवा हम आम भाषा में पौंड कहते हैं कितने पौंड हवा है अगर उन्होंने कहा है चौदह पौंड खेत के अंदर तो मेरा आपसे प्रार्थना है कभी ऐसी गलती नहीं करें अक्सर ये देखा गया है मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ और आई में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बड़े लंबे समय तक काम किया है और कई ट्रैक्टर कंपनियों में भी हमने काम किया है बड़ी कंपनियों में काम किया है मल्टीनेशनल में काम किया हमने ऑब्जर्व किया ये चीज़ देखा है कि किसान भाई खेत में चलाते समय भी 22 पॉन्ड हवा का दबाव रखते हैं किसान भाइयों आपके लिए मैं इसको दोबारा बताता हूँ बाईस पॉइंट रखते हैं खेत में और आप देखेंगे कि यदि किसी खेत में पीछे का टायर में फिसलन आ रही है तो ये समझ लीजिए कि ये डीजल बर्बाद हो रहा है काम धीमा या कम हो रहा है और सबसे खतरनाक बात ये हो रही है कि ये इसका ग्रूव घिसता है आप देखिए इसके ग्रूव की घिसावट आप इसके ग्रूव की घिसावट देखिए इसको बचाना आपके हाथ में है किसान भाइयों इसीलिए ध्यान रखिए कि ट्राली पर लगभग 22 से 24 पॉइंट का हवा का दबाव अनुशंसित है ट्रैक्टर कंपनियों द्वारा अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतंत्र को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन सत्तर लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफसीआईएल के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और की फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन किसान भाइयों अब मैं आपको आगे बताता हूं इसमें पिछले टायरों में हवा का दबाव 22 से 24 पाउंड वैसे मैं आपसे यह कहूंगा कि जो जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस ट्रैक्टर के अंदर साथ में जो पुस्तिका देती है कंपनी वो पुस्तिका में जरूर पढ़िए और उसके अनुसार चलिए लेकिन मैं बहुत बड़ी संख्या में किसानों में क्षमा मांगता हूं आपसे बहुत बड़ी संख्या में मैं किसानों को देखता हूं हवा के दबाव में कोई परिवर्तन नहीं करते खेत में भी बाईस पौंड हवा के दबाव से चलाते हैं इसमें फिसलन आती है और जब ये फिसलन आ रही है तो किसान भाई आप समझ लीजिए कि आप डीजल भी खराब कर रहे हैं आप समय भी ख़राब कर रहे हैं और सबसे ख़राब जो कर रहे हैं वो टायर की गुड्डी या ग्रूव या लक खराब हो जाता है अगर ये लक खराब हो गया तो खास तौर पर ये लग कब खराब होता है किसान भाइयों में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ आप जानते हैं इसका लग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है जब हम दांते वाला कल्टीवेटर और मोल्ड बोर्ड प्लाव वो बिना पल्टी वाला हो या पल्टी वाला हो दोनों प्लाव पर हम जब चलाते हैं मेरे साथ मेरे मैं समझता हूँ सभी किसान भाई समझते हैं गहरी जुताई के लिए हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लाउ का इस्तेमाल करते हैं और मोल्ड बोर्ड प्लाव पर अगर आप चलाएंगे तो आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा हवा का दबाव अगर गलत है तो हम अपने टायर का टायर को हम काट रहे हैं और ये मान लीजिए कि 18 महीने से ले 24 महीने में आपको ये टायर जो लगभग पैंतीस हजार रुपये से ज़्यादा का आ रहा है उसको बदलने की ज़रूरत आ रही है तो क्या आप चाहते हैं ये खर्च होए मेरे किसान भाइयों ध्यान रखिए जब भी आप खेत पर चलाएं हवा का दबाव चौदह पाउंड और सड़क पर ट्रॉली में चलाएं या अन्य किसी काम के लिए ईंट पर चलाएं किसी पर चलाएं तो कोशिश ये करें कि इसके हवा का दबाव बाईस पाउंड के आसपास हो एक और बात मैं किसान भाइयों अक्सर देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि किसान भाई पीछे के टायर का तो ध्यान देते हैं लेकिन आगे के टायर ट्रैक्टर के आगे के टायर का ध्यान नहीं देते चार पांच साल के बाद में हमको इनकी अलाइनमेंट करानी होती जैसे कारों में कराते हैं अलाइनमेंट बहुत जरूरी है और इसमें टोइन मतलब आप देखेंगे कि आगे का टायर आगे की तरफ अंदर की तरफ झुका रहता पीछे का बाहर की तरफ समानांतर कभी नहीं होता और एक बात और देखेंगे आप कि हवा ये जो टायर होते हैं आगे के ये टायर थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं तो ये समझ लीजिए कि अलाइनमेंट कितना महत्वपूर्ण है वरना आपका अगला टायर जल्दी ख़त्म होने वाला है और इसके हवा का दबाव भी सही होना जरूरी है पावर पावर स्टेयरिंग हो या मैकेनिकल स्टेयरिंग हो मतलब हाइड्रोलिक वाली स्टेयरिंग हो या मैकेनिकल स्टेयरिंग हो ये ध्यान रखिए अगर इसके हवा का दबाव सही नहीं है तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप टायर को मार रहे हैं तो किसान भाइयों ये तो कुछ बातें ऐसी हो गई जिन पर मैं आपको अवगत करा चुका हूं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाइयों जो सुरक्षा की चीज़ है मैं आखिर में सुरक्षा पर आऊँगा अक्सर ये देखा जाता है हजारों दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैक्टर की दुर्घटना में मृत्यु की आशंका सर्वाधिक होती है ये मैं अपने तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु की आशंका इसलिए होती है कि ये ट्रैक्टर में आप ध्यान देंगे ट्रैक्टर को एक गति से ऊपर कभी ना चलाएं सड़क पर हम अक्सर देखते हैं ख़ास तौर पर हम बच्चों को ट्रैक्टर दे देते हैं और उसको पूरी गति से सड़क पर चलाते हैं ध्यान रखिए एक गति के बाद ट्रैक्टर के ब्रेक आसानी से नहीं लगते ट्रैक्टर का ब्रेक अचानक भी नहीं लगता तो मैं सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान रखें और एक और चीज़ ध्यान रखें कि एंजिन ऑयल मैंने आपको पहले रेडिएटर के बारे में बताया अगर कूलेंट डालते हैं और यदि किसी ने अनुशंसा की हुई है कि आप साफ पानी डाल सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि गंदा पानी किसी भी स्थिति में किसान भाई ना डालें और गंदा पानी अगर आप डालेंगे तो नुकसान होएगा एक छोटी बात और मैं किसान भाइयों आपसे बताना चाहता हूँ अक्सर बैटरी ट्रैक्टर की ख़राब हो जाने पर जब ट्रैक्टर चालू नहीं होता तो हम ट्रैक्टर को ढलान पे खड़ा कर देते हैं ये मैंने बहुत सैकड़ों गांव में देखा है ट्रैक्टर ढलान पे खड़ा होता है और हम इसको धक्का स्टार्ट करते हैं हम धक्का स्टार्ट करते हैं लेकिन ये भी देखते हैं कि कई बार परिवार के छोटे बच्चे भी ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं सीट पर और गियर को हिलाते हैं और ट्रैक्टर लुढ़क करके चल देता है ऐसे में कई खराब घटनाएं होती हैं हाथ पैर टूट जाते हैं लोगों के चोट लग जाती है ट्रैक्टर का नुकसान हो जाता है तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कभी भी बच्चों को किसी भी हालत में जिनके पास में लाइसेंस नहीं है उनको सीट पर कभी ना बैठने दें और बैटरी का रखरखाव बहुत मामूली चीज़ है आप अगर बैटरी का रखरखाव करेंगे तो मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि बैटरी आपकी तीन साल तक कभी ख़राब नहीं होगी ये सब सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है और इसके बाद में मैं एक बहुत ही <coughs> महत्वपूर्ण तो जो चीज़ बताना चाहता हूं जो बहुत बड़ा कारण है इसका रख रखाव और देखभाल ध्यान रखिए कि ट्रैक्टर के दो ब्रेक होते हैं एक बाया ब्रेक होता है और एक दाया ब्रेक होता है अक्सर करके ये देखिए जब हम सड़क पर चलाते हैं तो ये दोनों ब्रेक एक साथ जुड़े होने चाहिए यहां पर एक लीवर होता है ये लीवर ये लीवर जब हम खेत में चलाते हैं तो आप देखिए हम इस लीवर को निकाल करके बाहर कर देते हैं अब लीवर बाहर कर देने से ये दोनों ब्रेक अलग हो गए किसान भाइयों ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है और इसमें कोई बचाव नहीं होता बहुत बड़ी दुर्घटना होती है इसीलिए सड़क पर जाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो लीवर है ये इस तरह से खुला हुआ नहीं होना चाहिए ये लीवर को आप यहाँ से इस तरह से बंद कर दें सड़क के ऊपर खेत के अंदर आप खोल सकते हैं खेत के अंदर तो खोलना ही चाहिए वरना आपको मोड़ने में बहुत लंबा प्रयास लगता है तो किसान भाइयों मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं बहुत बड़ी दुर्घटनाएं देखता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता और इससे भी ऊपर एक बात बताना चाहता हूं कि ट्रैक्टर के पीछे सुरक्षा का एक त्रिकोण लगा होता है जो रिफ़्लेक्टर होता है अक्सर रात में यह दुर्घटनाएं होती हैं ट्रैक्टर में कोई सुरक्षा नहीं होती उसको मार देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाई मेरे ख्याल से इन बातों को अच्छे से समझेंगे हाँ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ किसान भाइयों जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता ट्राली ट्रॉली के ऊपर भी बहुत बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है ट्रॉली की सबसे ख़ास बात यह है कि ट्रॉली की चौड़ाई ट्रॉली की चौड़ाई जो भारत सरकार ने तय की है उसके अनुसार ही होना चाहिए और ट्रॉली दो तरह की होती हैं दो पहिए की और चार पहिए की ट्रॉली के पीछे भी सुरक्षा का वो जो रिफ्लेक्टर है वो लगा हुआ होना चाहिए और अचानक नहीं मोड़ें कभी ट्रैक्टर को अगर ट्रॉली पर है तो धीमे धीमे मोड़ें और ट्रॉली को चलाने की पूरी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए हमने हिंदुस्तान में देखा है कि तरह तरह की ट्रॉलीज़ हैं दो पहियों की ट्रॉलीज भी कम से कम आठ तरह की देखी हैं और चार पहियों की भी ट्रॉली हमने बहुत तरह की देखी है किसान भाई अक्सर ट्रॉली को अपने मन से ऊंचा या नीचा करवाते हैं मैं हाथ जोड़ता हूं, अनुरोध करता हूं ट्रॉली को एक जो प्रामाणिक प्रामाणिकता है उससे ऊंचा ना बनाएं क्योंकि ये जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है ये हमेशा समतल सड़क पर नहीं चलता ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो उबड़ खाबड़ भी चलता है जिसमें ट्रैक्टर अक्सर पलटता है और ट्रैक्टर के ऊपर हमारा अपना अनुरोध है कभी भी टायर चलते हुए ट्रैक्टर के आसपास न जाए चढ़ने का बिल्कुल प्रयास न करें बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों और मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को मुझे सुना लेकिन मेरे सुनने से ज़्यादा अगर आप पूरे सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो हमारे किसानों को चोट न लगे क्योंकि आप जानते हैं आज के तारीख़ में चोट लगना माने लाखों रुपए का खर्चा दुर्घटनाओं में जान जाती है लापरवाही से कम रख रखाव से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है और आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ खरीफ फसलों का पहला उत्पादन अनुमान जारी आधे घंटे में मिला एक लाख साठ हजार रुपए का ऋण धान ज्वार बाजुरा के लिए पंजीयन पंद्रह अक्टूबर तक जीरा लगाने का वैज्ञानिक तरीका और मूंगफली फोड़ाई यंत्र और आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से खरीफ फसलों का पहला उत्पादन अनुमान जारी कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 व 23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं वर्ष 2022 व 23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन एक मिलियन टन अनुमानित है यह विगत पाँच वर्षों के सौ मिलियन टन औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में चार मिलियन टन अधिक है केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2022 व तेईस के लिए प्रथम अग्रिम खरीफ अनुमान के अनुसार देश की में कुल खाद्यान्न उत्पादन एक मिलियन टन अनुमानित है। जो कि विगत पाँच वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है कृषि मंत्रालय के पहले अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 व तेईस के दौरान देश में मक्का का उत्पादन तेईस दशमलव एक शून्य मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन छत्तीस दशमलव पाँच छः मिलियन टन दलहन उत्पादन आठ दशमलव तीन सात मिलियन टन एवं तिलहन उत्पादन तेईस दशमलव पाँच सात मिलियन टन अनुमानित है इसी प्रकार वर्ष 2022 व तेईस के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन चार मिलियन टन कपास का उत्पादन चौतीस मिलियन गांठे तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन दस मिलियन गांठे अनुमानित है आधे घंटे में मिला एक लाख साठ हजार रुपए का ऋण प्रगतिशील महिला कृषक श्रीमती नीलम हरदा जिले की पहली ऐसी कृषक है जिन्हें घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से मात्र आधे घंटे में एक लाख साठ हजार रुपए का ऋण मिल गया है न उन्हें बैंक के चक्कर लगाने पड़े और न ही कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी श्रीमती गुर्जर को केवल मोबाइल से अपना आधार नंबर और बोई गई फसल के बारे में जानकारी देनी पड़ी और काम हो गया यह संभव हुआ किसान डिजिटल के की, की मदद से गत दिनों हरदा जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलाइजेशन कार्य प्रारंभ किया गया है एक कार्यक्रम में बैंक की एमडी एवं सीईओ ने कहा कि हरदा जिले में केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलीकरण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है बाद में इसका मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा धान ज्वार बाजरा के लिए पंजीयन पंद्रह अक्टूबर तक खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022 व में समर्थन मूल्य पर धान ज्वार एवं बाजरा की खरीदी की जाएगी शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन केंद्रों पर पंजीयन का कार्य 15 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं विगत रवि एवं खरीफ की तरह इस वर्ष भी किसान पंजीयन भू अभिलेख के डाटाबेस आधारित होगा वन पट्टाधिकारी एवं सिक्मी किसानों को पंजीयन की सुविधा केवल सीमित स्तर पर होगी सिक्मी बटाईदार किसानों को आधार संबंधी दस्तावेज आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर तथा सिक्मी नामे की प्रति उपलब्ध करानी होगी वन पट्टा किसान के पंजीयन में वन पट्टा क्रमांक खसरा रकबे एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि होगी सिक्कमी बटाईदार पट्टाधारी किसान का आधार नंबर प्रविष्ट किया जाएगा आधार नंबर की प्रविष्टि उपरांत ओटीपी प्राप्त होगा जिसके माध्यम से सत्यापन के बाद आधार डाटा बेस में दर्ज संपूर्ण जानकारी यू आई डी ए आई से उत्पार्जन पोर्टल पर प्राप्त हो सकती है मोबाइल नहीं होने पर बायोमेट्रिक डिवाइस से भी किया जा सकेगा किसानों को पंजीयन के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेज समग्र आईडी, आधार नंबर बैंक खाता पासबुक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा जीरा लगाने का वैज्ञानिक तरीका जीरे का उपयोग सभी घरों में होता है इसकी बढ़ती मांग के कारण जीरे के भाव भी अच्छे मिल जाते हैं ज़्यादा उत्पादन और गुणवत्ता के लिए किसान भाई जीरे की खेती करना चाहते हैं जीरा एक उपयोगी महत्वपूर्ण मसाला फसल है यह बताना नितांत जरूरी है कि मसाला फसलों की उन्नत तकनीक अपनाते हुए उत्पादन के प्रमुख बिंदु उपयोगी हैं इसकी बुआई अक्टूबर अंत एवं नवंबर माह में की जाती है उत्तम जल निथार वाली भूमि उपयुक्त होती है जातियों में एस चार सौ चार आर जेड सोलह आर एच चार एम सी तिरालिस यू जी एक सौ अठारह जी सी एक जी सी दो से तीन इत्यादि बारह से पंद्रह किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है बीज का उपचार तीन ग्राम थायरम प्रति किलो बीज में करें इसके अलावा अंकुरण की समस्या से निपटने के लिए इंडोल तीन एसेटिक अमल के 100 पीपीएम वाले घोल में डुबोकर रखें बाद में इसे निकाल कर सुखा कर बुआई करने से अच्छा अंकुरण मिलेगा यूरिया सतासी किलो 350 किलो सिंगल सुपर फेड तथा 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें पहली हल्की सिंचाई बोनी के तुरंत बाद तथा इसके पश्चात आठ से दस दिनों के अंतर से सिंचाई करें निंदाई गुड़ाई बोनी के तीस दिन के बाद करनी चाहिए और इसी के साथ किसान भाइयों खबरें खेती में आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार तो किसान भाइयों आपने जाना किस तरीके से ट्रैक्टर की देखभाल और उस, उससे सावधानियां ये विषय हमने जाना है और इसके बाद किस तरीके से आप इनमें जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आप समझ सकते हैं ये इस पूरे अंक में जो है हमने जाना आ, तो फिलहाल किसान भाइयों अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई नई जानकारियों के के साथ तब तक लिए आप सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिए और बने रहिए देखते रहिए कृषि दर्शन को नमस्कार フフフフ。